हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बच्चों सीयूईटी यूजी केमिस्ट्री डोमेन को टारगेट करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीयूईटी एग्जाम में आए हुए हैं। इम्पोर्टेंट ना कह के मैं ये कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहाँ पे, तो आप लोग देखना, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वही चैप्टर्स हैं यहाँ पे। हेलो एल्किन्स, हेलो अरिन्स, एल्कोहल, फिनोल, सीथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्सलिक एसिड्स, देन आपका अमाइंस है ना, और ये सब बायो मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अलग से कराऊंगा क्योंकि उसके आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तो पढ़ा भी देंगे आप लोग के, थोड़े शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो पहले क्वेश्चन आपको मिलेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो अरिन्स चैप्टर से। देखना किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो सर क्वेश्चन जो है वो है ब्रोमाइड्स दिए हैं, SN1 के ऑर्डर में लगाना है। तो SN1 रिएक्शन का रेट बच्चों डिपेंड किस पे करता है? अगर मैं आपसे SN1 रिएक्शन के रेट की बात करूं तो SN1 रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही SN1 का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे आप देख लो कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ पे बन रहा है। ठीक, यहाँ से बेटा Br निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे उसके पास दो ही अल्फा एच है। जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। यहाँ से हेलोजन निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबिलाईज होगा, साथ में तीन अल्फा एच भी है। तो यहाँ पे तीन अल्फा एच और साथ में क्या आ रहा है बच्चों, प्लस आर आ रहा है। यहाँ दो एल्फा एच आ रहे हैं, यहाँ बी आर निकला, यहाँ पे पांच एल्फा एच आ रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही, साथ में यहाँ रेजोनेंस भी है जो इन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? सेकेंड वाला। तो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं भाई, अगर केवल अल्फा एच होते तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एक डोमिनेटिंग फैक्टर और आ गया रेजोनेंस स्टेबिलिटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एराइल एल्कोहल्स विद PCl3, PCl5 और SOCl2 बिकॉज। बताओ एराइल हैलाइड्स क्यों नहीं बना सकते हैं? देखो एराइल हैलाइड्स इसलिए नहीं बना सकते आप क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, जो हेलोजन लगा हुआ है, उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये रिंग में डिलोकलाइज करते हैं जिससे कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। उसमें क्या है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। देखेंगे किस प्रकार, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक, तो यही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो इन्हें क्या करता है भाई, आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए रोकता है। तो देखो क्या होगा सही एक्सप्लेनेशन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक, बात समझ आ रही है? नहीं, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक्स द बेंजीन रिंग इन द अबव रिएक्शन? तो भाई ये फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है? कहीं AlCl3 देख के आप पूछ पढ़ो तो, ये बेटा हेलोजिनेशन है। ये क्या है, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे हेलोजन का जो कैटायन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज की तरह। तो यहाँ Cl2 था बच्चों, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Cl+ है ना, क्लोरोनियम आयन होगा। तो ऐसा कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है 2022 CUET एग्जाम में। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियस लविंग है ना, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन है क्या अपने पास? यही है सर। ठीक, चलो यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिया है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
है ना, न्यूक्लियस लविंग कोई चीज आएगी। तो ध्यान से देखना, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आपसे यहाँ पे बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट कहाँ होगा? देखो यहाँ पे एनओ टू ग्रुप लगा है, एनओ टू ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ये बेंजीन रिंग से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा। सर यहाँ भी तो एनओ टू ग्रुप, बेटा मेटा पोजीशन पे इनका इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं उनका इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे तो इसका इफेक्ट लगेगा नहीं, ठीक है? माइनस आई लगेगा, माइनस आर नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक, तो बी का फास्टेस्ट रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑन द रिएक्शन ऑफ। तो ये क्या है, ये देखो ये सर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, साथ में KOH है और इथेनॉल का है और हीटिंग है, ठीक है सर? तो देखो है क्या, SN1 रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या होनी चाहिए बच्चों, SN1 रिएक्शन होनी चाहिए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, SN1 प्रिफर करेगा। और बट यहाँ पे क्या है सर, एल्कोहलिक KOH है यानी कि इथेनॉलिक, ठीक? तो ये जो होता है ये पर्टिकुलरली क्या प्रिफर करता है, ये तो एलिमिनेशन वाला है सर, ये रिएजेंट क्या कराएगा, एलिमिनेशन। तो देखो बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है? तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, और मैं बना के दिखाऊं आपको, देखना जरा, यहां से हाइड्रोजन चला गया होगा, बेस लेके गया होगा, फिर ये डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करेगा तो Br जो लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा और आपको एल्कीन बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन बनेगा, देख लो। ऐसा प्रोडक्ट दिया है क्या एल्कीन वाला? सर सी ऑप्शन में दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं? तो रिएजेंट पहचानना आप, केवल KOH होता है ना, एक्वस KOH होता तो हम सब्स्टिट्यूशन कराते, OH लगा देते, बट एल्कोहलिक है ना, इथेनॉल एल्कोहलिक तो है इसलिए। नेक्स्ट देखना बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? तो जिसके पास भाई कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान से देखना आप, कायरल कार्बन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे चेक करना जरा, एक H ग्रुप लगा है, एक OH ग्रुप, एक CH3 ग्रुप और एक क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन है, और जहाँ पे भी बच्चों कायरल कार्बन होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव की क्या कंडीशन है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन मतलब sp3 कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, sp3 कार्बन जिसपे क्या लगे हों, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ठीक है कि नहीं बताओ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट रिएक्टिव हेलाइड्स टुवर्ड्स SN1। SN1 में फिर वही बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे ये Cl रिमूव होगा, पेन ही नहीं चलता है, यहाँ से देखो Cl रिमूव होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा एक तरफ बेटा, यहाँ से रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, एक यहाँ से, जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा Cl रिमूव होगा, एक ही रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, ये बेंजीन रिंग नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का मिल रहा है, नहीं मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि वही रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, तो सबसे ज्यादा तो ये ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा SN1 में। तो SN1 में तो कार्बोकेटाइन बनाओ है ना, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे इसका नाम बताना है, देखो भाई देखो, एल्काइल ग्रुप जो था वो डबल हो गया, एल्काइल हैलाइड था और सोडियम ड्राई ईथर है, तो अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग फ्यूज हो रही है, तो ये फिटिक है ना, फिटिक रिएक्शन है। और देखना आप, एफ होता है विटिक अलग है, फिटिक अलग है, एफ होता है फिटिक। और अगर दोनों नॉर्मल एलिफेटिक हैलाइड्स होते हैं तो वुड्स होता, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक होता है तो वुड्स फिटिक होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा सर, ये तो बच्चों फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, फिटिक है ना, तो सेम ही है, डब्ल्यू विटिक अलग होता है। तो अगर आपके पास एलिफेटिक हैलाइड है और साथ में क्या है बेटा, सोडियम और ड्राई ईथर और एल्काइल ग्रुप की चेन क्या हो गई, डबल हो गई, तो ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन।
वहीं पे जैसे ऊपर वाली रिएक्शन है तो ये क्या कहलाती है, ये फिटिक कहलाती है। अब अगर एक तो एरोमेटिक हो और एक कैसा हो, एलिफेटिक हो, साथ में सोडियम और ड्राई ईथर हो, तब क्या होगा सर? तब होना तो वही है कि एक एराइल ग्रुप आ जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप। रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिक। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? वुड्स फिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तीनों बातें बता दी यार, यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिथाइल प्रोपीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। मिथाइल प्रोपीन कैसे बनेगा? देखो एल्कीन बन रहा है और ये क्या दिए हुए हैं आपको, एल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं या फिर सोडियम एल्कोक्साइड दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती थी, उसी तरीके की रिएक्शन यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे। देखो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड दिया है क्या कहीं पे? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी नहीं दे रखा है अपने को, ओ एन ए दे रखा है। ठीक है, तो जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो बेस का भी काम करेगा, है ना? ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल किसका काम करेगा? ये बेस का भी काम करेगा। और यहां से बच्चों एच एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एच होंगे एच को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, एच ले जाएगा एक, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, ये डिलोकलाइज होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो आपको क्या बनता हुआ दिखेगा बेटा? मिथाइल प्रोपीन कह रहे हैं बट यहाँ तो प्रोपीन ही बन रहा है, मिथाइल ग्रुप तो आ नहीं रहा है। ठीक है, और देखो बेटा और पॉसिबिलिटी कहाँ है इस वाले में, चेक करें ए ऑप्शन में। इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, जरा देखना। CH3 कार्बन, CH3 Br। यहाँ पे आपके पास है CH3 ONA। तो भाई इतना बल्कि ग्रुप लगा है तो SN2 तो हो नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है और इनका एक एच, ये बेसिक भी होता है तो बेस पकड़ के ले जाएगा। अब यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा, डीलोकलाइज होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो लॉन्गेस्ट चेन तीन कार्बन की बनेगी, एक पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ना यहाँ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3। तो 2 पे क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप। तो यहीं से बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर होगा बेटा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ रही है या नहीं? तो ध्यान रखना जब भी आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड हो और एक तरफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ एलिमिनेशन करा देना, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा क्राउडिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एल्काइल हैलाइड विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H11Br ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन गिव्स 2 आइसोमेरिक एल्कीन्स एक्स एंड वाई विद फॉर्मूला C5H10 ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एक्स एंड वाई गिव 4 कंपाउंड। ठीक है, तो हम बना के देखते हैं बेटा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसे बनाओ तो 3-bromopentane, पेंट मतलब 5 कार्बन, 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। तो यहां पे अगर आपके पास क्या होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इधर बना लो एल्कीन, इधर बात वही है बेटा, है ना, बात वही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो सर, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। 2-bromo-3-methyl-butane, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे मिथाइल। यहाँ अलग अलग पॉसिबिलिटी है बेटा, यहाँ से एच जाएगा तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा। ठीक, यहाँ से एच जाएगा तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा। ठीक है, अलग अलग है, है ना, यहाँ से ओजोनोलिसिस होगा 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का, ठीक है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड और सिंपलेस्ट कीटोन। तो 4 प्रोडक्ट यहीं से मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, या हिट एंड ट्रायल से ही आपको करना पड़ेगा। 2-bromo-2-methyl में तो 3 टाइप के यहाँ से भी एल्कीन मिल रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द करेक्ट IUPAC नेम, तो IUPAC नेमिंग तो आपको आती होगी भाई, है ना। चलो नंबरिंग करें, ठीक है, 1, 2 और यहाँ 3, 4 एक साथ ही है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, उससे पहले सर ब्रोमीन आ जाएगा। 1 पे Br, B अल्फाबेटिकली पहले आता है, 1-bromo-2
मिथाइल और चार कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ए ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, बात समझ आ रही है या नहीं बताओ, बात क्लियर हो रही है? ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, सी एच थ्री ग्रुप बेंजीन के ऊपर वैसे के वैसे ये सीएल लग गया है, तो भाई यहाँ पे हेलोजिनेशन कराना है, और हेलोजिनेशन कराने के लिए हेलोजन साथ में लुइस एसिड, इससे अच्छा कोई रिएजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा ना लुइस एसिड, FeCl3 वैकेंट ऑर्बिटल होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, साथ में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl पॉजिटिव FeCl4 नेगेटिव, ये फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोनियम आयन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइलाइटेड कार्बन इन द हेलोएरीन। हेलोएरीन में तो जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, हेलो एल्केन में sp3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बिकॉज, देखो ये टर्शरी जो एल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे SN2 पॉसिबल नहीं हो पाता है स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से, SN2 हो ही नहीं पाता है, रीजन क्या है, स्टीयरिक क्राउडिंग है। अब स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से SN2 नहीं होगा, तो ये बेस का भी तो अच्छा काम करता है, बेस का काम करता है तो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रिफर हो जाता है। तो पढ़ना आप जरा, सोडियम इथॉक्साइड इज अ वीक बेस, एल्काइल हेलाइड इज टर्शरी इन नेचर, मेन रीजन तो यही रहा है बच्चों, एल्काइल हेलाइड कैसा है, टर्शरी है, तो SN2 ना होके है ना वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। बाकी बेस तो वो पहले भी था, अगर 1 डिग्री होता तो भी वो बेस है, तो बेस से तो ऐसा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है अपने को। नेक्स्ट देखना, CH3 CH2 CH2, ठीक है, एल्कीन है HBr है, तो सिंपली मार्कोनिको ऑफ एडिशन कर दो आप, है ना, आप सिंपली क्या करो, HBr ऐड कर दो, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम H होंगे, तो Br यहाँ आ जाएगा और H जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक ही बॉन्ड बचेगा। देख लो कहाँ दिया है ऐसा, किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसे, सेकंड कार्बन पे Br, तो ये बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है बच्चों, इजी रहेगा पेपर, अपने बेसिक्स पे स्टिक रहना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए तो हम यहाँ पे इतने क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखना, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, तो भाई मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, एल्काइल फ्लोराइड्स एफ आ रहा है ना, तो नेम रिएक्शन का नाम एफ से स्टार्ट नहीं होगा, स्वार्ट्स रिएक्शन है, वहीं पे अगर एल्काइल आयोडाइड्स बन रहे होंगे तो रिएक्शन का नाम होता है बेटा फिंकल स्टीन। सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो बेटा एल्काइल फ्लोराइड्स बन रहे हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन होगी, क्या होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एराइल हेलाइड्स डू नॉट अंडरगो, एराइल हेलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ठीक है, क्या क्या रीजन है, देखो ये रहा आपका बेंजीन रिंग एराइल हेलाइड का, और यहां से आ रहा है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, अब है क्या, न्यूक्लियोफाइल पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन पे भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच रिटार्ड हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन कैरिंग हेलोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं ये तो sp2 है, ये बात तो गलत है। नेक्स्ट देखना, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज डिस्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, ऐसा भी नहीं है अभी तक तो नहीं लग रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन हेलोजन, सही बात है बेटा, ए और डी करेक्ट बोला है ना, तो ए और डी विल बी द राइट आंसर, बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के होंगे, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में इंपॉर्टेंट क्या है, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स वुड्स वुड्स फिटिक फिटिक और फिंकल स्टीन स्वार्ट्स, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ रहा होगा बेटा यहाँ पे, मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या रहा होगा, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, और जैसे जितने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो ध्यान से देखो आप लोग कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, Cl लगा है बच्चों, CH3 लगा है, NO2 लगा है, OCH3 लगा है, OCH3 इलेक्ट्रॉन देगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो NO2 थर्ड वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट आना चाहिए आपका, है ना, ये भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है, डीएक्टिवेटिंग है। ठीक, चलो थर्ड फर्स्ट, फिर इन दोनों में देखो आप CH3 ओ CH3, तो CH3 बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, ओ CH3 रेजोनेंस से देगा, और यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी ना वो रेजोनेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैं तो उसके मुकाबले इतना नहीं दे पाएगा, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ आ रही है बात या नहीं? ठीक है, क्लोरीन का भी वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट होता है डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इसके इनके कंपैरिजन में तो हो गई ना ऑक्सीजन वगैरह के। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड सब्सिक्वेंट एक्वस ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये लो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, ये लो, सब्सिक्वेंट एक्वस ट्रीटमेंट भी करवा देंगे। तो एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, रीजन ये है कि RMGX में मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो एल्काइल ग्रुप पे और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वहीं कार्बोनिल में कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो पोलैरिटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिएक्शन हो जाती है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड बताऊँ आपको तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल वाले कार्बन पे लग जाता है, लग जाएगा सर, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लगा देना आप, और अब कार्बन पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता तो सिग्मा पाई में पाई वीक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है सर, अब जब आप वाटर में से एच प्लस और ओ एच माइनस लेके घूम रहे हो तो ये जो एच प्लस है ये यहाँ पहुंच जाते हैं और फाइनली आपको क्या मिलेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे एल्कोहल लगा हुआ मिलेगा, बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल भी कहा जाएगा। डिग्री क्या है, जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन आगे एक कार्बन से लगा है तो प्राइमरी एल्कोहल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है भाई, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है वो आगे एक ही कार्बन से तो लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये रहा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा, भाई इस कंडीशन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो नो रिएक्शन होना चाहिए, बट बुक्स वगैरह में क्या है, प्रोडक्ट बना रखा है, तो मैं उसका आपको रीजन बता देता हूँ, इन्होंने कंडीशंस मेंशन नहीं करी है, तो या तो आप उन्हें अपने आप मानो कि 630 केल्विन टेम्परेचर होगा, 300 ATM प्रेशर होगा, क्योंकि वही बात है, हेलोरीन्स जो है बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं दिखाते, बहुत सारे रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, ठीक है, ये sp2 कार्बन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, कार्बोकेटाइन बन भी गया तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन हो जाती है। अगर आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देते हो तब जाके कहीं Cl अटके क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो क्या है, फिनॉल, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बताओ बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स अ सेकेंडरी एल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेकेंडरी एल्कोहल कौन देगा भाई, ध्यान रखना, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है,
ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। इसके अलावा कोई एल्डिहाइड है ना, कोई भी एल्डिहाइड हो एक्स वाई जेड, बस फॉर्मेल्डिहाइड ना हो, तो वो क्या है, वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। वहीं अगर कोई कीटोन हुआ बच्चों, है ना, कोई कीटोन हुआ तो वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आपको क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप देख लो क्या है आपके पास, कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल कौन देगा, तो एल्डिहाइड देखो आप, पेंटेनल यही देगा बेटा, है ना, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आप कंक्लूजन ध्यान रख लो, वहां पे मैकेनिज्म बना के थोड़ी देखोगे, और देखना चाहो तो देख लेना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप यहाँ लगेगा, इस पे OH बन जाएगा, तो जिस कार्बन पे OH होगा वो एक कार्बन से लगा होगा, यहाँ पे एक आर ग्रुप ग्रिगनार्ड रिएजेंट का आ जाएगा, एक कार्बन पहले से है सेकेंडरी, तो वो समझ में भी आती है बात और ध्यान भी रखनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ल्यूकास टेस्ट। देखो ल्यूकास टेस्ट यूज होता है बेटा एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, है ना, एल्कोहल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री सेपरेट करने के लिए क्या है, ल्यूकास टेस्ट यूज होता है। तो ध्यान से देखना, प्रोपेन वन ऑल इथेन ऑल प्राइमरी है, ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल, यहाँ चेक करना जरा, ब्यूटेन वन ऑल, प्रोपेन टू ऑल, टू पे मिथाइल, भाई ये 3 डिग्री है, ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देगा, ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्या करेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देगा, ठीक है, और ये है प्राइमरी, तो ये रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी देता ही नहीं है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, सेकेंडरी होता 3-4 मिनट में दे देता। तो ये डी जो ऑप्शन है, इसमें अलग अलग डिग्री के अल्कोहल्स हैं जिनको आप ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। पहले क्लीन कर देते हैं, बाद में डिस्टर्ब करेगा अपन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जोन्स रिएजेंट क्या है, जोन्स रिएजेंट भाई CrO3 और एसिडिक मीडियम में है, है ना, तो रिएजेंट तो सीधे ध्यान रखो, आप एक पेज में लिख लो सारे रिएजेंट NCERT के क्लास 12th। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टोलुइन क्या होता है सर, टोलुइन क्या होता है देखना बेटा, टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या देखना जरा, मतलब सर हेलोजिनेशन हो रहा है फ्री रेडिकल वाला, Cl2H3, बेंजीन रिंग में तो होगा नहीं, वो होगा एल्काइल ग्रुप में, और मोनो हुआ तो एक ही बार CH2Cl, हाइड्रोलिसिस हुई वाटर आया OH- आएगा Cl हट जाएगा, बात समझ आ रही है या नहीं, यार यहाँ से OH- आएगा SN1 होगी, ठीक है, वो पहले निकल चुका होगा, कार्बोकेटाइन बना दिया उसने, तो यहाँ पे बेंजाइलिक एल्कोहल मिल जाएगा CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, मोनो कहा गया है, क्या कहा गया है, मोनो कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। देखो बेटा फिनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे क्रोमिक एसिड से, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही क्यों बना रहा हूं, K2Cr2O7 भी यूज कर लेते हैं, क्रोमिक एसिड भी यूज कर, बेंजो क्यूनोन बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजो क्यूनोन, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजो क्यूनोन, बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ध्यान रखना बेटा ये क्यूमीन है, ये क्या है, क्यूमीन, और फिनॉल बनता है इससे, इससे क्या बनता है, फिनॉल बनता है, पहले ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा बेटा क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, उसके बाद फिर जब यहाँ से हाइड्रोलिसिस वगैरह होगी तो फिनॉल रह जाएगा यहाँ पे और कीटोन
CH3CO CH3 ये रह जाएगा, एक फिनॉल एक CH3CO CH3, फिनॉल CH3CO CH3। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन अपने को नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में आप सही कर लेना, एक में कर लो इसको, ठीक इसको आप कर लो CH3CO CH3, फिर ये वाला सही हो जाएगा। कीटोन बनता है बच्चों, एल्डिहाइड नहीं बनता है, क्यों OH यहीं रह गया, बाकी CO और CH3CH3 अलग हो जाता है। बाकी मैकेनिज्म है अपने को, अब मैकेनिज्म समझने का टाइम नहीं है बेटा, है ना, 45 क्वेश्चन करने रहेंगे 40-45 मिनट में, तो अब अपने को एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम, ग्लिसरॉल होता क्या है सर? मेरे हिसाब से तो ग्लिसरॉल ये होता है ट्राई एल्कोहल जो होता है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, इथेन 1,2 डाईऑल, कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों ध्यान रखा करो। विच सेट ऑफ रिएजेंट विल बी मोस्ट सुटेबल टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंज, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन बना लो सर, और यहाँ पे क्या है 2 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो और 6 कार्बन पे भी क्या है नाइट्रो ग्रुप है, इसको पिक्रिक एसिड में बनाना है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, Cl हटा के यहाँ OH अगर आ गया और यहाँ पे NO2 ग्रुप रहे, तो ये जो कंपाउंड बन के आएगा यही क्या होगा बच्चों, पिक्रिक एसिड होगा। तो अब क्या करें सर, Cl हटा के OH कैसे लगाएं? भाई साहब 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, आप तो सिंपली गर्म पानी ऐड कर दो, ये बन जाएगा Cl हटके फिनॉल। ये कंडीशन तब यूज करते बच्चों जब केवल क्लोरोबेंजीन होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जहां पे बच्चों कार्बन या कार्बन का बॉन्ड किसी अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले ऑप्शन में ध्यान से देखना, CH फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन के साथ है, कार्बन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ देखो बेटा मेटल के साथ है, और ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट ही होते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, तो इसमें पूछा है क्या बनेगा, बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बता रखा है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे, और जिस कार्बोनिल कार्बन पे मतलब है उसी पे क्या बन जाएगा OH, तो CH3 CH2 ये आके लग गया इस कार्बन से, इस पे OH आ गया और इस पे क्या थे 2H थे, यानी कि प्रोपेनॉल बन गया बच्चों, और साथ ही साथ ये जो Mg था ये MgCLOH, ठीक है, प्रोपेनॉल और MgCLOH, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना DM बता दे रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे और कार्बोनिल कार्बन पे ही आप एल्कोहल बना देना, बताओ बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है, सही चल रही ना रिकॉर्डिंग, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब फिनाइल और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम, तो भाई ये सबसे अच्छा है ड्राई ईथर ले लो, एनहाइड्रस कंडीशंस लेनी चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वरना जैसे ही उन्हें सोर्स ऑफ प्रोटॉन दिखेगा वो तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये वाली रिएक्शन बच्चों बेस्ट है, मेटल इंसर्शन हो जाएगा, MgBr बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किस पे डिपेंड करता है, वेंडर वॉल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखना आप, एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो इन्हें एक अपर एज प्रोवाइड करेगी, तो डी का सबसे ज्यादा एक ही जगह दिया है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी मैचिंग वगैरह में आ गया तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, फिर आपका ईथर थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, चल जा यार
देन आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल एल्केन आ जाएगा, ठीक है। डिग्री उगरी मत लगाना, साफ कर दूं इसको, गंदा सा लग रहा है सर, है ना, सफाई हो जाए थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल है आपके पास। आइडेंटिफाई टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन वो होता है बच्चों जो आगे तीन कार्बन से लगा हो। देखो ये वाला कार्बन, ये इस कार्बन से भी लगा हो, ए वाले इनसे भी लगा हुआ है और इससे भी लगा हुआ है, तो बी वाला कार्बन जो है ना, कार्बन बी इज टर्शरी कार्बन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंडरी वो होता है जो आगे दो कार्बन से लगा होता है, प्राइमरी वो होता है जो आगे एक कार्बन से लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में बच्चों एक तो सोडियम एल्कोक्साइड लेते हो आप, एक एल्काइल हैलाइड लेते हो। होता क्या है, ये जो है ये SN2 अटैक करता है यहाँ पे, तो मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा, SN2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 6 ग्राम ऑफ फिनॉल इंटू 2.4.6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसको आप कर लेना। फिनॉल क्या होता है, ये हो गया फिनॉल। फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH। मास वगैरह देख लो इसका, 12 चंग 72 और 6 78 और 16 कितना हो गया बताओ, 94, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो कितना ब्रोमीन लगेगा बोल रहे हैं, ठीक है। बनाने के लिए 2.4.6, ठीक है, बी आर बी आर बी आर, ठीक है। तो कितना ब्रोमीन लगेगा बताओ, 3 ब्रोमीन लगने चाहिए ना, बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक। एक ब्रोमीन का मास लगभग 80 होता है, 2 का 160 इंटू 3 480, 480 ग्राम ब्रोमीन लग रहा है। तो वो बोल रहे हैं कितना ब्रोमीन लगेगा, 6 ग्राम फिनॉल को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 94 के लिए 480 लग रहा है, तो 6 के लिए कितना लगेगा, 480/94 इंटू 6, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये कितना आएगा लगभग, 94 को 480 से करो तो 9 के टेबल में 36, 4 टाइम्स आएगा 45, 5 टाइम्स आएगा, ठीक है, लगभग 5 के आसपास, ठीक। तो फिर करें 90 × 5 450 और 4 और 20 यानी कि 470, 10 बचा पॉइंट लगाया होगा, 0 बढ़ाया होगा, ठीक है। तो कितना बचेगा आपके पास भाई, कितना बचा था, देखो 470 था, 10 बचा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 1 6, लगभग 30.63 है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, 30.63, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट टाइप का था, इतना इनका लगा तो इसका कितना मास लगना चाहिए, तो वो यूनिटरी मेथड से कर लोगे आप, ये मत कहना सर 11th में होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड तो गायब ही कर रखा है सर ने यहाँ से, बाद में लगाया है, देखें नहीं है, चल कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखना आप, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्ट मैचिंग कहाँ पे है, ध्यान से देखो, C6H5O C2CH3, ये बेटा इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन नेम है। जैसे देखना आप, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों एनीसोन। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या है, ओ CH2CH3 लगा है, तो इसका नाम हो जाता है फेनेटोन, ये कॉमन नेमिंग है। तो वो पूछ रहा है करेक्टली मैच तो ए है, और भी कोई है क्या, और देखना आप,
और कोई दिख रहा है? डाई मिथाइल नहीं है, यहाँ तो बेंजाइल है, मिथाइल इथाइल ना, यहाँ भी डाई इथाइल है, हेप्टाइल यानी कि सात, छह और एक सात, फिनाइल यानी कि ए और बी का नामकरण सही है, यानी कि ए और बी वाला विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ए प्रीडोमिनेंटली इस, क्या होगा ये देखना जरा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है समझना बेटा। एच बी आर पहले यहाँ से एच प्लस रिलीज करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा देखना, सी एच थ्री और यहाँ पे ओ एच टू। अब उसने क्या करा, प्रोटॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया ना, ठीक है, यहाँ पे सी एच थ्री। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लेके वाटर के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सी एच थ्री और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अभी इसके चार अल्फा एच हैं, अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए है ना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन इधर चला जाए तो सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, अब इसके आठ अल्फा एच हो जाएंगे। कहाँ बेटा, चार थे कहाँ, आठ, आठ में स्टेबिलिटी ज़्यादा, बी आर माइनस फिर वहीं पे जाके अटैक करेगा। तो देखो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, सी एच थ्री, सी पे बी आर और उसी पे सी एच थ्री, फिर आगे दो कार्बन, तो ऐसा दे रखा है सर सी ऑप्शन में, देखो यहाँ दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी डी, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो सी एच थ्री कार्बन, उस पर बी आर, सी एच थ्री आगे दो कार्बन, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो अब आने वाले हैं बच्चों वो किस चैप्टर से होंगे आपके, वो होंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोऑक्सिलिक एसिड से। बताओ, मैं ये मान के चल रहा हूँ नोट्स आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, आप लोग जाना नीट क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में है ना, केमिस्ट्री वाले में, तो वहाँ आपको इन चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप मैसेज कर देना, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, वहाँ से तो ये है कि मतलब आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, और फिर भी चाहिए तो आप इस पर एक बार क्या है व्हाट्सएप कर देना चैप्टर का नाम लिख के, तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोऑक्सिलिक एसिड से बताओ। देखो एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन, डाइमर क्यों बनाता है एसिटिक एसिड, डाइमर क्यों बनाता है, देखो ज्यादा ही थिकनेस होगी भाई साहब, CH3 ये रहा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, इधर CH3, ये देखो बेटा हाइड्रोजन जो है ना दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फंस गया, यानी कि इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो यही रीजन है इसके डाइमर का, तो प्रेजेंस ऑफ ना, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना आप, द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इन द कैनिजारो रिएक्शन आर, कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, देखो कैनिजारो रिएक्शन दिखाते कौन है, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, जैसे आपका ये है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, कैनिजारो में क्या है, आप बेस ले सकते हो है ना, एक मॉलिक्यूल तो इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सोडियम सॉल्ट बना लेगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड का, और दूसरा बेटा रिड्यूस होके अल्कोहल बना लेगा, एक सोडियम सॉल्ट या एल्कली सॉल्ट बना लेता है, एक अल्कोहल बना लेता है, अल्कोहल और एल्कलाइन सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, क्यों, KOH लोगे तो पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा, इसलिए वो क्या कह रहे हैं एल्कलाइन लिख दिया उन्होंने, कहा झाड़ ही बताओ यहाँ से, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, बेटा ये क्या है बताओ, कौन सी रिएक्शन है ये, रोजनमुंड रिएक्शन है, ठीक है, एल्काइल एसाइल हेलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन
ना डिपॉजिटेड ओवर बेरियम BaSO4 PPT पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन। पहली रिएक्शन है बच्चों एनसीईआरटी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स में, वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, रोजन मुंड है। चलो नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वही बात बेटा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी क्या ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। फ्लोरो 1 फ्लोरिन, ट्राई फ्लोरो 3 फ्लोरिन। बेटा डीएनपी लगता है, डिस्टेंस नंबर पावर। अगर डिस्टेंस सेम है तब आप नंबर ऑफ ग्रुप देखोगे। ठीक है, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो गया, ये हो गया जस्ट एसिड वाले नेक्स्ट कार्बन पे फ्लोरीन, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट क्या है 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन। फ्लोरो एसिटिक एसिड में क्लोरीन लगा है और डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड में क्या लगे हैं 2 फ्लोरीन। अब डिस्टेंस तो सबका सेम आ रहा है सर, फिर नंबर देखो आप, नंबर सबसे ज्यादा 3 यहाँ आ रहे हैं ट्राई फ्लोरो में, तो यही क्या हो जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट बट नेगेटिव फेलेंस टेस्ट। ध्यान से देखो, टॉलरेंस टेस्ट देता है फेलिंग नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं है ना, फेलिंग टेस्ट चल जाए यार, ये फेलिंग टेस्ट जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन है, सर बेंजल्डिहाइड है, वही हो जाएगा। फिर कीटोन तो देते ही नहीं है, तो कीटोन वालों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, द कंपाउंड फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। प्रोपेनोन CH3CO CH3, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेटल पे पॉजिटिव, उसके बदले का नेगेटिव कार्बन पे हेलोजन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अल्काइल ग्रुप जाता है, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो वहीं पे अल्कोहल बन जाता है बेटा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा CH3। तो मैंने डीएम बताया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बोनिल कार्बन पे अब एल्कोहल बना दो। तो देखो ऐसा कहाँ हुआ है, ये देखो कार्बन पे 3 CH3 1 OH, बी ऑप्शन में ऐसा हुआ है सर, तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, कैसन बात, ठीक बात ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, डाइल्यूट NaOH है और हीटिंग कर रखी है। एक के पास तो बेटा है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे के पास है। ठीक, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। देखो तो ये दो तो हट ही गए, अब बचे कौन से ए और बी। तो जब बेस आएगा तो अल्फा एच किसका एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसी का करेगा सर एसीटोफिनोन का, यानी कि यहां से आपके पास बनेगा CO, यहाँ क्या बन जाएगा CH2-, ये फिर अटैक करेगा बच्चों कहाँ पे, इधर ये आपका जो बेंजल्डिहाइड वाला कार्बन है वहां। ठीक, ऐसे ही तो होगी कहानी, ये आगे शिफ्ट होगा, वर्कअप होगा, एच आ जाएगा। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप जो रहेगा वो C6H5CO पे रहेगा, C6H5CO पे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इधर भी थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्बोनिल ग्रुप ऐसा ही रहेगा एसिटोफिनोन का, ये तो आगे जब हीट करोगे तो रिमूव हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखना, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सेमी कार्बाजाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है बताओ, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है देखना जरा, NH2CO NH2,
यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपको सेमी कार्बा जोन मिलेगा। ये इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है सेमी कार्बा जोन। सेमी कार्बा लाइट से आने वाले प्रोडक्ट को सेमी कार्बा जोन बोला जाता है। ऐसा कहाँ है, बेंजीन के बाद सी एच डबल बॉन्ड एन दिया ही नहीं है कहीं पे, फिर CONH2 यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ बना लेना डबल बॉन्ड, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर यही लग रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये सही बना है ऐसे, बताओ बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद NaCN होगा बेटा, क्या होगा, NaCN होगा। ठीक है, इसको एन कर लेना, NaCNHCl गिव्स कंपाउंड बी विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, कंपाउंड ए NaCN के साथ यानी कि CN ग्रुप लगाएगा। ठीक है, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, फिर मिलेगा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्सी भी है, फिनाइल भी है, एसिटिक एसिड भी है, तो ये कौन सा हो सकता है बताओ। NaCN कार्बोनिल पे अटैक करेगा ना, ध्यान से देखना, यहाँ अटैक करता है तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, बताओ OHCN। फिर यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन इस पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COH। तो देखो फिनाइल हाइड्रोक्सी और एसिटिक एसिड, ये रहा फिनाइल ग्रुप। तो कुछ है ना, आप अंदाजे से भी कर सकते हो कि भाई CN के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल ही रिएक्ट करेगा साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी होंगी आपने, सारी एक साथ दी हुई है NCERT में। नेक्स्ट देखना बेटा, मैचिंग करनी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है, मैचिंग करना है। तो बताओ NH2OH ये क्या होता है, ये तो आपका ऑक्साइम होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये तो दिया हुआ ही नहीं है इसका यहाँ पे कहीं, मैच लिस्ट वन क्या, ये देखो हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन बन जाएगा, C का सेकंड, ये 2,4-DNP है। ठीक है, D का थर्ड, और ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड है आपका NH2, NHCO, NH2, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। ठीक है, इमाइन यहाँ से क्यों बनेगा यार, यहाँ से तो वो बनेगा ऑक्साइम, ऑक्साइम बनेगा यहाँ से। ठीक है, ए का फोर्थ, सी का थर्ड, ए का फोर्थ, सी का थर्ड, सी का सेकंड दे रखा है, ए का तो फोर्थ पक्का ही है ना भाई, सी का सेकंड, ए का फोर्थ, सी का सेकंड, यहाँ सेम हाइड्राजोन है तो कहाँ पे बन रहा है, ए का फोर्थ, सी का सेकंड, बी ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCOCl PDBaSO4, भाई साहब रोजनमोन रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा RCHO, बन जाना चाहिए, एक्स कैन बी, हाँ एल्काइल हेलाइड हो सकता है, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कीटोन तो बनाता ही नहीं है, केवल एल्डिहाइड बनाता है, ये भी नहीं बनेगा, तो सी और ई, ये किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, एल्डिहाइड की। ठीक है, तो एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन की नहीं है, पहले सारे एल्डिहाइड कॉमन वाली थी ना, फिर सारे एल्डिहाइड की थी बुक में, फिर सारे कीटोन की थी, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ के जाना आप कंपाउंड्स की। ठीक, पीके वैल्यू NO2 लगा हुआ है उसकी कम है, OCH3 की ज्यादा है, क्योंकि भाई NO2 ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो पीके वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, के वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, बी ऑप्शन विल बी द
राइट आंसर देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेनोन यानी कि ये रहा सर सेमी कार्बाजाइड, यानी कि NH2, NH CO, NH2। यहां से बच्चों वाटर रिमूव करा देना, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड NH CO NH2। ये जो बनेगा बेटा वो साइक्लोपेंटेनोन का सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। देख लो रिंग से NH CO NH2, ए ऑप्शन में ऐसा दिया है मेरे हिसाब से, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नेम बताना है। चलो नंबरिंग करो बेटा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 पे मिथाइल लगा है, 7 पे मिथाइल लगा है, तो 3.7 डाई मिथाइल एक ही जगह दिया हुआ है ऐसा, 3.7 सी ऑप्शन में। बताओ बात समझ आ रही है या नहीं, वही सही हो जाएगा। फिर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आगे देखना बच्चों। द ओनली कार्बो ऑक्सलिक एसिड विच गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो वो एक कार्बन का कार्बो ऑक्सलिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड। पहला ही मेंबर एबनॉर्मेलिटी दिखाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कैनिजारो रिएक्शन। मैंने आपको बताया था ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो डिसप्रोपोर्शनेशन करेंगे, उनका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एल्कलाइन सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड बना लेगा, दूसरा रिड्यूस होके क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, टेक्स प्लेस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टेक्स प्लेस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग इन एल्डिहाइड हैविंग, एल्डिहाइड में होती है कीटोन में कहाँ होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कार्बो ईथर उथर कहाँ मिलता है भैया, तो बी और सी सही है। क्या है, बी और सी सही है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऑर्डर में तो ध्यान रखना बेटा, एल्डिहाइड्स फास्ट रिएक्ट करते हैं कीटोन से, उसके बाद आप स्टीयरिक क्राउडिंग को कर सकते हो। स्टीयरिक क्राउडिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के। तो एल्डिहाइड्स अलग कर लो पहले, तो ए और बी, उसमें भी ए का ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ए का होगा, ठीक है। इस ऑर्डर में करना है डिक्रीजिंग, सबसे ज़्यादा तो ए का हो गया, फिर बी का, ऐसा एक ही जगह दिया ए ऑप्शन में, वही हो जाएगा सब। फिर कीटोन्स आ जाएंगे, ठीक है, इस कीटोन का सबसे ज़्यादा होगा, सी का उससे कम, डी का उससे कम, ई का, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती जा रही है बच्चों। क्या बढ़ती जा रही है, स्टेरिक क्राउडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड तो ये हो गया CH3CHO, और बेंजाल्डिहाइड हो गया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट नहीं, वो नहीं देता है एरोमेटिक के लिए पॉजिटिव टेस्ट, है ना, फेलिंग्स नहीं देता है, ये तो एसिड्स के लिए होता है। टॉलरेंस भी होता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए, 2,4-DNP तो कार्बोनिल के लिए होता है। नेक्स्ट देखना, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूसेस। देखो एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, CH3CO OCH3, बेसिक मतलब NaOH, यहाँ से ONA आएगा बच्चों, ठीक है, इस पर अटैक करेगा, वो वापस कम बैक करेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3COONA। तो इनको कार्बो ऑक्सीलेट से तो कहोगे, एल्डिहाइड है नहीं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड नहीं है, कीटोन नहीं है, कार्बो ऑक्सीलेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, C3H6O डज नॉट फॉर्म अ सिल्वर मिरर, मतलब बच्चों ये क्या है, एल्डिहाइड नहीं है, बट फॉर्म्स अ ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलमीन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या हो सकता है, यही हो सकता है, फिर कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन, तो इसको आप क्या क्या पॉजिटिव देगा ये बताओ,
आईडो फॉर्म दे देगा ना, COCH3 ग्रुप जिनके पास होता है वो आईडो फॉर्म टेस्ट देते हैं, जिनके पास COCH3 ग्रुप होता है वो क्या देते हैं, आईडो फॉर्म टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस कीटोन्स, कहाँ से कीटोन नहीं बनेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स यहाँ से बन जाएंगे बच्चों। देखो कोई भी आप अनसिमेट्रिकल एल्काइन लो, इस पे H2SO4 और HgSO4, ठीक है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, तो मार्कोनिकोफ रूल से पहले वाटर ऐड हो जाएगा, उसके बाद कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन होगा, ये एच जो है यहाँ चला जाता है, और तो यहाँ से कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन के बाद क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। सर आवाज लगाओ तो, दिमाग खराब है उसका। ओजोनोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यहाँ से भी बच्चों कीटोन बन जाएगा, ठीक है। नाइट्राइल्स की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, यहाँ से भी कीटोन बन जाता है, ठीक है। पहले आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो, उसके बाद आप क्या करा दो, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे OH आएगा एक बार, दूसरी बार आएगा, तो फिर एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होंगे, वाटर निकल जाएगा, मतलब कीटोन ग्रुप आ जाएगा। स्टीफंस रिएक्शन से बेटा केवल एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है, स्टीफंस रिएक्शन से कीटोन नहीं बनेंगे। कुछ देर के लिए मैं नहीं नजर आऊंगा आपको, लेकिन स्क्रीन नजर आएगी, वो ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखना बेटा, विच एल्डिहाइड इज यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, फॉर्मेलिन यूज होता है, कौन यूज होता है, फॉर्मेलिन, ठीक। विच एल्डिहाइड यूज टू प्रिजर्व, तो फॉर्मेलिन होता है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 5% फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन, सैंपल ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग, बेंजल्डिहाइड है और क्या एसिटल्डिहाइड है, तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक नॉन एरोमेटिक है, कैसे करोगे बताओ। टॉलेंस है आपके पास, फेलिंग है, फेलिंग से कर देंगे सर, फेलिंग जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ टेस्ट नहीं देता है।